तो आई हैव क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैंस एज वेल, तो मैं वो भी धीरे धीरे आई विल मूव ऑन टू देम. बिल्कुल या सो ओके, वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैन इज कि ये जश्ने कलाम जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सके. हाँ, तो जश्न कलम, कलम इज या पेन, कलम, या जश्ने कलम, सॉरी. कलम कहेंगे तो वो कलम हो जाएगा को या मानते हैं, पर पेन का यानी कलम का जश्न मनाते हैं, यानी वी सेलिब्रेट लिटरेचर. सो माय फ्रेंड केसी शंकर, ही वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड इट, और मैं उनके साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ. पिछले 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं. तो हम हिंदुस्तानी साहित्य की यानी हिंदुस्तानी लिटरेचर की कहानियों को सबसे सरल किस्सा गोई की परंपरा के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं. एक थिएटर परफॉर्मेंस वाह. होती है जिसमें एक सोलो एक्टर पूरी की पूरी कहानी जिस तरह से लिखी गई है शब्द दर शब्द उसको याद करता है और उसको इनेक्ट करता है. ऐसे बैठकर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे नहीं बताते, उसका पूरा कोरियोग्राफ्ड वर्जन होता है, उसको इनेक्ट करता है. तो आपने जैसे नाम सुने होंगे प्रेमचंद, मंटो, अमृता बिल्कुल प्रीतम, बिल्कुल है ना, कमलेश्वर जी, जी, राजेंद्र सिंह यादव, जिंदर सिंह यस. बेदी, राजेंद्र यादव जी, उनकी कहानियों को पूरी तरीके से हम लोग याद करके और उनको परफॉर्म करते हैं. सो ये परफॉर्मेंसेस पहले तो हम थिएटर्स में करते थे, बड़े छोटे थिएटर्स में, लिटरेचर फेस्टिवल्स में, कॉलेजेस में, और लेकिन अब लॉकडाउन हो गया है तो अब हम ये डिजिटली कर रहे हैं, तो फ्री यस. भी करते हैं. तो जिन लोगों ने थिएटर नहीं देखा है कभी भी, जिनको नहीं पता है कि नाटक कि कौन सी ये विधा है, तो ये सोलो थिएटर, सोलो परफॉर्मेंसेस कह लें इसको, और लाइव परफॉर्मेंस होती है तो आमने सामने बैठ के आप देखते हैं. और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें फोर्थ वॉल नहीं होता. नाटक से अगर 4 प्लेयर्स वो आपस में नाटक करते हैं और दर्शक हैं वो उन्हें देखते हैं कि आपस में नाटक कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन हमारी किस्सा गो यानी स्टोरी टेलर जो है वो सामने दर्शक से बात करता है और दर्शक को कहानी सुनाता है, तो दर्शक भी उस कहानी का कभी कभी हिस्सा बन हिस्सा जाते बन जाते हैं. बहुत बहुत सही बात बोली आपने ये. फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल है और यूट्यूब है, आप उस पर देख सकते हैं. मैं उस पर 4 कहानियां परफॉर्म करती हूँ और मेरे दोस्त हैं, हम लोग तकरीबन 20 से 25 कहानियां उस पर परफॉर्म करते हैं. तो आप देख सकते हैं वाह, आजकल डिजिटल का, तो घर में बैठे बैठे थिएटर देख लीजिए अगर नहीं कभी और किसी ने देखा क्या. है, और ये वाला हिस्सा कोई नहीं देखती है तो ये इसका भी मजा ले लीजिए. भाई जिंदगी में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल सही बात है. तो. हर एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है और एनरिच करता है हमेशा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. सो डेफिनेटली, और थिएटर जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, शायद बोल सकते हैं एक्टिंग का, क्योंकि कोई रिटेक्स नहीं है. आपको जो है सामने के सामने लाइव परफॉर्म करना है लोगों के सामने, और लोग भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है साथ में. सो बहुत सही बात बोली आपने. जी जी शुक्रिया.